तो गाइस आज हम लोग आए हैं अपने गांव पे। किन सेगमेंट में बात करते हैं? इतनी समस्या के लिए क्या जरूरत है? अपन से काहे न काहे जग पूरा पूरा घूमने आए हैं कि विश्व सुंदरी बेटी ना जो खाता है वही दूसरों को खिलाता है, जो नहीं खाएगा अपने दूसरे को नहीं खिलाएगा। बड़ी भूल हुई, अरे हमने। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम रांची एयरपोर्ट पे। मेरे बाल ऐसे कहे चू गए रांची में। शरारती कोई चीज नहीं है, शरारती चीज हम लोगों के साथ नहीं है। छोटे भाई भी बहुत बढ़िया से लोग रहते थे, प्रेम से रहते थे। हाँ। हमारे साथ। अच्छा। हाँ। मस्ती मजाक कुछ जैसे? हाँ, वो सब बात दूसरी है। हाँ। लेकिन हमारे साथ प्रेम से लोग रहते थे, अभी तक प्रेम से लोग हैं। हाँ। कोई बात नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं है जी। निजदिना बारा जातने न हमारे निजदिन बारा सतने सदा रहत पाव सरितु हम पै जब ते श्याम सिधारे अंजन थिर न रहत सुनु सजनी कर कपोल भय ठारे निस दिन बरसत नै हमारे निशदिन बरसत नैन हम आ कंचुक पट सो राम 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 नाम सत्य है राम नाम यही सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है निशदिन बरसत नैन हमारे निशदिन बरसत नैन हमार निशदिन बरसत नैन हमारे निशदिन बरसत प्रातः काल सुबह 4 बजे बेंगलुरु के नए एयरपोर्ट पे। कोई तो आए हमारे साथ। ये क्या एयरपोर्ट बोलते? एंट्री रेड कारपेट भी बिछा दो, ठीक है? और कुछ? ये बना है बंबू से। ऐसा एयरपोर्ट बना दिया कि एयरपोर्ट पे रहने का मन कर जाए, मतलब बाहर थोड़ी जाए आदमी यहाँ पे। यही ठीक है। हम वीडियो लेने का सोच रहे हैं, तुम लगे पोज मारने। चलते जाओ यहाँ से लेके, थोड़ा रैंप वॉक करके दिखाओ लोगों को। वहाँ पूरा ग्रुप है वहाँ पे। जाओ जाओ वहाँ पोज मारो, पोज मारो। तो फुल पूरा जय श्री राम हो गया यहाँ पे। द मच बिलोवेड हिंदू डेटी इज डिपिक्टेड इन अ स्टैंडिंग पोजीशन इवॉल्व द एलिफेंट पोज। लगाया है गणेश जी का। नेक्स्ट है रामानुज। अच्छा रामानुजाज भी बैठे हैं। अंजनेया, चंद्रशेखरा, देवी श्री देवी, रामा, मणिक्या वर्षाकार, विष्णु, आगे आओ, चंद्रशेखरा, मदानिका, रामा, अंजनेया, नहीं तुम
हो गया। बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है व्लॉग बनाने के लिए, हाथ पूरा ऐसे लेके चलो, शोल्डर वर्कआउट हो जाएगा, दर्द हो जाएगा हाथ में। ऐसे ठीक है, ऐसे बहुत मुंह खराब लगता है ऐसे। प्रातः काल सुबह 4:30 बजे लाउंज में 2 रुपए का ब्रेकफास्ट ठूसते हुए। We are in the hood, having our food. Where is Mr. Adi? ये खुशी देखो इनकी। इतनी खुशी से हुए देखे, ये ले लो, डिजर्ट भी नहीं छोड़े। विमान की ओर प्रस्थान करते हुए हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम रांची एयरपोर्ट पे। मेरे बाल ऐसे कहे छू गया है रांची में। हाँ ठीक है, इनको देखिए, ड्राइवर हमारा लेट है, ऐसे दिखाते हैं। बंटी चौबे के जन्मभूमि बोकारो स्टील सिटी प्रस्थान करते हुए वेलकम टू द चैनल गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। हियर वी आर इन माय हाउस। दिस इज माय छोटा भाई, दिस इज माय छोटा छोटा भाई, लॉरेन भुजियम। मेरा फोटो यहाँ बदलना पड़ेगा। क्लास आठवीं का फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है। आठवीं से हम बाहर। मेरा मेडल सब कहाँ गया? ले आठवीं से हम बाहर। मेरा मेडल सब कहाँ गया? ले
मेरा मेडल सब कहाँ गया ऊपर? दीपावली के सफाई में उतारा गया था। फिर उसके बाद स्टेडफास्ट का बैग अभी तक चल रहे हैं यहाँ पे। बस्ती, ये सस्ती बस्ती, ये है बस्ती का अपना हस्ती। चोकोबार खा रहा है भाई वो, रईस देख लो कितना है। हाँ, नॉट बैड। हेवी बालकनी, वेरी नाइस गार्डन बालकनी। अच्छा व्यू आ रहा है, हवा। लोकेशन सही, मतलब एक साइड सिटी, एक साइड है कि एकदम गांव, बस्ती, जला बस्ती। ये है लेजेंडरी मास, दो मास घर के, जिनको त्रिलोकी चौबे ने एज इन मोमेंटो डाला है, टांगा है बीच में। प्रातः 2 बजे गांव की ओर प्रस्थान करते हुए, और बीच में ये बकचोदी दिख गई। सासाराम के बाद बक्सर एंटर करते हुए जन्मे से संजीव आनंद चुमोरी चुगे। घर उतना ब्रेकर, एक एक घर के लिए ब्रेकर।
एक भैंस के लिए केक ब्रेकर आइसक्रीम पे तो मार हो गया आइसक्रीम पे तो भारी मारी ये है हमारा गांव जहाँ रोड पे सिर्फ टट्टी ही दिखेगा और टट्टी लोग भी दिख रहे हैं Where's the fucking road, mate? Where's the fucking road? Do we have a road yet? No, only Tati. Tati ka pahad banaya, dekho. Omae wa mou shindeiru. Nani? Beyond that, there is our house, which you can't see. Car can't enter. The car will be at Gopal Chube place. Where is Gopal Chube? Call Gopal Chube. ATM. Retime. ATM. Ghar ke andar paisa milega. Mera naam Gorakhnath Chube hai. Ji. मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय इंद्रदेव चौबे और माताजी का नाम जी। सोनामती सन पाटो देवी जी। मैं सात भाई हूँ हाँ। और सब भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। पांच बहनें थी यानी हम लोग अपने पिताजी की एक दर्जन संतान थे। हमारे नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन चल रहा था जी। बिहार के जो मुख्यमंत्री उसी छात्र आंदोलन की देन थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की मीटिंग हमने बक्सर में बुला कर के कराई थी जी। और हम ही ने प्रिजाइड भी किया था मीटिंग को जी। लालू प्रसाद को उस समय हम केले के ठेला पर बैठा करके भाषण करवाए थे जी। पढ़ने लिखने में भी अच्छा स्टूडेंट था जी। कोई बोधा तो था नहीं जी। तो अगर मैं चाहता नौकरी करना या किसी भी कंपटीशन में अगर बैठना तो कंप्लीट कर सकता था कोई भी कंपटीशन। त्रिलोकीनाथ चौबे एकादश की पूजा करते हुए न हमारे निषदिन बरसत नैन सदा रहत पाव सरितु हम पै जब ते श्याम सिधारे अंजन थी। छोटा सा काल 2 बजे इंट्रोडक्शन देते हुए फ्रॉग्स तो गाइस आज हम लोग आए अपने गांव पे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 3 बड़े भाई बैठे हैं। आदित्य कुमार चौबे, सनी चौबे बिल्कुल बंटी चौबे। हेलो गाइज, हेलो हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया उसमें। हाँ हो गया। कुल असकत छिड़काइल बा। अच्छा कुल पैसा दे दे। आहे थोड़ा हो पिंडा पर कुछ नहीं के भई। काहे सिक्का ना चढ़ो। सिक्का खाली कर। अच्छा तो सिक्का ना चढ़ेला तो ओकर हम देब ना। अच्छा तो कुल मिला के का दक्षिणा दे। जोड़ के 360 मिला के का रुआ दक्षिणा मांगत है। 10,000 सही को दिया नहीं। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं शरारती किस्म का हाँ। बालक नहीं था। अच्छा शांत बालक था। हाँ शांत स्वभाव का था जी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और कभी कभार उसी में शरारतपूर्ण भी विहार होता था हाँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे का टमाटा पानी बीच बनी। अरे राजे के है ठीक बात, बोलवाओ जला प्रजा का अगर पैसा ना रही तो ओकर काम ना होई।
दो पैसा के बने दवा नहीं चीही मत नहीं करी और क्या से हम अरे तीही मैं तू कर अब हम दे पैसा तेरे वा गिन ले खाली आपन जिद कर लो 1000 रुपया हम दिया अब बात दूसर मत करी चल हो गई अब दूसर मत करी ना तो हम मुझ गड़बड़ाई रोगी आ रही 1000 रुपया मैं सर पापड़ हां ये कैफे तो पीही ना तो अब हम निका तू करब जा चल जाय सब जल मन कर तुम कर सॉरी 1000 रुपया सर्वे नाराज मत हो फिर वो भी नहीं करनी 1000 का जमाना बाबा जा ना 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 बात एक नंबर के चौधरी 1000 रुपया पहुंचा पैसा से खेत किन लिन बतियाओ तार 11 बीघा लिहल न तब का लिहल चाहत बसंतपुर के खेवट पांच भैया के हम सात भैया खोल के डरा खोल के निकाल के दूध पिया के कुल मिला के 5000 हो जाते ₹500 चल जहर न एकदम प्रेम से बोली आशीर्वाद दी पानी पूरा करी अरे नाराज बनी बोली बाछी ले जाओ बाछी रंजीत गोदान का संकोच नहीं है चलो हो छोटा पंडित तुम खुश रहो आशीर्वाद के तोहरा संग
रात के 9 बजे दो भाई बिना दारू पिए झगड़ा करते हैं। मेरा दीनानाथ चौबे नाम है, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री इंद्रदेव चौबे जी हैं। हम तबला बजाते हैं जी, तबला के बहुत बड़े बढ़िया वादक थे जी। हमने शिक्षा दीक्षा अपने बड़े भाई चंद्रश्री चंद्रशेखर चौबे से ली जी, जो अच्छे बजाते हैं और अच्छे गाते भी हैं जी। मैं भी तबला का बहुत माहिर रहा अपने समय का, 5-8 घंटा तक अभ्यास करता रहा इसका जी। अभ्यास करते करते बहुत बढ़िया हम तबला वादक हो गए। धातृ कीर्तक, धातृ कीर्तक, तात्र कीर्तक, तुन्ना कीर्तक, धरधर कीर्तक, धरधर कीर्तक, तुन्ना कीर्तक, धातृ कीर्तक, धातृ कीर्तक, धूमतृ कीर्तक, धरधर कीर्तक, तुन्ना कीर्तक, धातृ की धातृ की धातिन धाधा तृ की धाधा तुन्ना, तात्र की तात्र की तातिन धाधा तृ की धाधा तुन्ना, धातृ की धातृ की धातिन धाधा तृ की धाधा तुन्ना, तात्र की तात्र की तातिन धाधा मोहरा का छंद है तबले का। अच्छा। हम इंटर पास करने के बाद फिर पहलवानी में जुट गए जी। पहलवानी का बहुत बड़ा शौक था, मैंने अच्छी अच्छी कुश्तियां लड़ी जी। अपने जमाने में अच्छे अच्छे पहलवानों को पछाड़ा जी। अब मैं फुटबॉल का बहुत बढ़िया प्लेयर, बाइक का खिलाड़ी था, वॉलीबॉल का भी खिलाड़ी था, बॉलर था जी। हमारे सभी भाई विद्वान हैं, सब भी पढ़े लिखे हैं जी। हाँ, विद्वता की कमी नहीं है, हम लोग सब पढ़े लिखे आदमी हैं। और राइफल बड़ा शौक का है जी। और जमाने के अनुसार इसको हम लोग अपने सेफ के लिए रखते हैं जी। अब क्या बताएंगे तुमको, तुम तो घर के हमारे नाती हो, नाती प्रधान होता है अपने बाबा बाप के लिए, वो वही प्रधान चीज होता है जो नाती होता है। सब एक तुम्हारा कंप्लेन जाएगा, इधर आके सबको जगा रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, तुम्हारा कंप्लेन जाएगा वीडियो में, तुम सबको डिस्टर्ब कर। तुम लोग कहाँ है, ऊपर आया, जरूर जगाना है इन लोग को। बचपने से ही वाला कल्चर आ जाता है, सबको डायरेक्शन देना है। सुबह हो गई, उठो जल्दी वहां से हटो। सब हम ये खेत है। हां, सब हम ये खेत है। के लिए डिपार्टमेंटल यूज के लिए। चलिए, बाय बाय।
ऐ कहला हला नहीं है चश्मा इनका एक नंबर चला दी एक बल्टी और मारे बड़ी साला खंडवा रे कहाँ लेके गया उसको गांव लेके जा रहा है बाइक को शायद नहीं पैदल ले जा रहा है गड़िया पर नहीं लेके जाता है किसके गांव लेके जा रहा है हम ही लोग अरे महाबेवकूफ है जिसका बात हो रहा था वही दिखा दिए और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं नहीं गैस लिखवाया सुपर फास्ट है हल्का भी है ऐसे वास से नहाना है ठीक मिट्टी भी लगा लेंगे साबुन तो लाए नहीं तो कैसे बस लगाना है नहाने का प्लान तो नहीं था माहौल ऐसा बन गया अब नहाना पड़ रहा गुजारी है कभी हमारे बिहार में ऐसे नहाने के लिए मिलेगा ऐसे उपने का कर रहे हो हिला रहे हो का अश्लील है ये लोना फिर से आ गए रे बाबा गंगा जमुना गोदावरी कावेरी बंद करो हाथ जोड़ के मैं थोड़ा थोड़ी भूतिया पेड़ टूटा हुआ साज हूँ मैं भूतिया पे भूतिया भूतिया पे ऑफलोडिंग सिंगल लोडिंग स्टार्ट इन द वेरी बिगिनिंग में दिस इज आवर पेरेंट्स स्कूल पापास छुपाओ अपना बाय कूद के ये फंस गया एटीएम भी है अभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है तुमको आधा उसका गांड कीचड़ में से निकाल के लाया है वो मस्त उस समय यहाँ पे एंजॉय होता है कीचड़ में घास में खेत में चूदम चूद करता है तब लेटा ऐसे देखो क्या मस्त लाइफ है ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय पंडित जी की तारीफ में दो बातें बहुत अच्छे पंडित जी बहुत अच्छे इन्होंने
दर कुरान जो इन्होंने पढ़ा उसका कोई मैगजीन नहीं है, बहुत अच्छा लगा इनका पूजा पाठ वहाँ पीपल पेड़ से लेके दशम में एकादश में और स्थापना जो इन्होंने किया सबसे बहुत अच्छा। यहाँ का राम कौन उपाध्याय जी सीताराम उपाध्याय जी ने जो भी पूजा पाठ किया बहुत प्रसन्न और कंपन स्टाइल में यहाँ के शास्त्रीय है शास्त्रीय आचार्य सब कुछ का यहाँ का पहला मोनित लगा पंडित जी बहुत अच्छे पूजा पाठ किए इनकी जितनी सराहना की है उतना ही कम है। ये पंडित जी हैं ग्राम शेरपुर कला गोरतनपुर और गरुड़ पुराण का मतलब है नौ आप यूट्यूब पर डाले गरुड़ पुराण भगवान व्यास का पुराण है व्यास ने उनको शिक्षा दिया गरुड़ पक्षी थे और उनके सिंहासन पर बैठे हुए उनको पूर्व जन्मों के कृत्य के कर्म को फल दिया भगवान विष्णु ने उनको स्वर्ग गति को पहुंचाया और मोक्ष को पहुंचाया। इस संसार भवसागरात से रहने वाला मृत प्राणी जो भी है वो मतलब सबको भवसागर से पार उतार बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्म भोज की शुरुआत होते हुए भैया ने बता दिया हवा में दुनिया हमरो बढ़िया बढ़िया कह दिया खाली गगरी ले आई है ओके ढकनी से मुदवई है भैया कहरा के धीरे धीरे चलई दुनिया हमरो भैया ने बता दिया हवा में ले हो पाँच को देने वाले थे फिर तुम मना चार दिए थे एक और लिए ना एक तो हम पाँच दे रहे थे फिर इससे अच्छा झूठो एक नंबर संध्या काल में खानदान के मामा जी के साथ बड़ को बिया कर जाफड़न इनके भाषा निकाल जाफड़ा तो फका फका कर रहा हूँ ये उछल के चल गया मामा फिर से एक बार फिर से हंस रहा सो चला गया सूप आ गया पहाड़ क्या हो भी गया अपना की मंत्री की नतिया करें बाकी ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया दूर हो इच्छा हो पूरी मन की एक दूसरे से न मिल सका यह भी न मना है जीवन अननीय मामा में है सब सर्व जितने हम लोग का ननिहाल है सब में पूजनीय आदरणीय ममता मोहिनी से सबको प्यार है छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा बच्चा हो नहीं है।
छोटा बच्चा हो चाहे बुढ़ा बच्चा हो, ये नहीं है सबसे प्यारे मामा। अब मुक्ति चल जा, सलेका चल जा सर, कि लोके चल जा तो तुरंत जेल नहीं खेल रहा सामने यहाँ मोराबा अच्छे से पानी पिया के तुरंत एकदम पकौड़ी छनाई लगी। पकौड़ी छनाई बचका छनाई बचका छनाई ये लिखे थे कॉलेज में हम लोग थे ना तो सिनेमा दिखाने यही लगे जाते थे ले जाते थे सबको डरता था सिनेमा से बैठी अच्छा अच्छा कुर्सी पकड़ी ले आओ तो नहीं टूट जाएगा ले तरीका से बैठो कर दिए एक जी जाना जो खाता है वही दूसरे को खिलाता है जो नहीं खाएगा अपने दूसरे को नहीं खिलाएगा। ये बात सत्य है इसमें ये नहीं है आप खाए हैं तभी खिला सकते हैं नहीं खाए तो कहाँ से खिलाएगा। इस पृथ्वी में हम लोग के जितने रिश्तेदार हैं सबसे रद्दी खाना खाता है व्यापार सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है देखिए प्रभु उसको दिए ये सुन लीजिए हम लोग का जितना हित ही है सबसे रद्दी खाना गया पाठक का उतना ऊंचा दरवाजा किसी का नहीं उतना संपत्ति किसी के पास नहीं चार बेटा चारों सरकारी में है ही देखिए लेकिन वो जो है इतना रद्दी खाना खिलाएगा कि जल्दी दो दिन में रुआ चल जाए मैंने इतना रद्दी खाना हम जिंदगी में क्योंकि खाले नहीं सोलिया उठा कहो गया आप हिस्सा तो पाई गया तीन रुपयो दे रहा तीन खुद ही हो पा गया देखो वो दे रहा है ना निकल गए हां ना ही दिखाई दे अच्छा तू सुन ना किस कर तो सुना सबका से तू पर पटी वाला हाँ। तो फिर याद नहीं बोलो ना बोल और नहीं बोलो के कैसे खातिर कर लेना कैसे का कर लेना अरे ये तो पाच को हित देखा रो रो आता आ गई ना ना तो की साला और चलो खेल कर मत लो के अच्छा हंस के तो हंसी के काने की हो हो बहुत मालिक काशी बास कर सोने का डर दूध पीस एक घंटा बाद 5 बजे जग पूरा पूरा 11,000 और 1 क्विंटल चावल 1 क्विंटल गेहूँ मालिक याद जाए पाँच बजे काशी बास कर सोने का डर दूध पी सुबह खाए घंटा बाद 5 बजे बोलो तो ना बोलो तो जग पूरा मालिक के नाम पर 11,000 रखा होने 1 क्विंटल चावल 1 क्विंटल का वो मालता तो लास्ट में हमारे ही सहज में था सही बोला था हाँ हाँ ना ठीक है ना गोरखा बोलिए 25,000 चाहत रहा हूँ ना 25,000 मैं हाँ मचवा लो आशीर्वाद मालिक है चंद्रशेखर चौबे के कृपा से वो मास्टर बनी सरकारी वही चंद्रशेखर जी के सारा कृपा दीनानाथ जी के रुआ ऊपर कृपा बा श्रीमान वेंकटेश्वर नाथ जी के देखिए कुछ कहे मतलब हमरा के 2051 हो गई 51 किलो सीधा हो गए बस जाइए मालिक के दरबार में अब ऐसा ना ना मालिक है देखिए हम खेती बाड़ी कर मालिक दादा दादा जीत वाली बात नहीं मत कर लोग खुश रहे हम लोग रहे चला वाला चाय को 4 घंटा जी के कोई तो ना 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 क्या बोल रहे अरे कितना आनंद बात तू आई रहा तो अब हाथ मत जो लेकर रहा हूं देखला अपने हाथ से कितना खुशी भइल हो बोल दे नहीं आप बोली जग पूरा पूरा मालिक याद जाए पाँच भाई कैसी बात करी सुबह मटर दूध पी सुबह बहुत खाए घंटा बजे 5 बजे
रोबक कमाल में 2000 का कीना करीला अच्छा हो गई बोलो कितनी हो ना हो मैं खादी खादी मैं नहीं हाथ के लो अच्छा खादी हाथ कर खुश खुश हो गेला ना उस बने मालिक चालीस कम से कम 11 किलो रहे थे हां 11 किलो दी अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है अपना दिया दे जाओ दे दे जा दिया जाई दिया जाई पास में आके ले 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 आप का कहे छे ना ले ले या तो दे दो जग पूरा पूरा मालिक याद जाई पास भाई कैसे बात करे सुने बेटा दूध पी सुबह वक्त 6 घंटे बजे 5 बजे माली का बाल बच्चा पोस प्राणी अंदर सूरज जन हित नाता गोतिया जात बेटी बहिन नाती पुता सब बात कोई ले रहा राव जग पूरा हम खुश बनी जग पूरा पूरा अरे बगल में हमनी के पाण हो जी लोग हित नाथ देखिए सब करा के मत सो ऐसा का मालिक देता नहीं ना चला रे ढेर बा को खुशी होके खइलो जा पीलो जा जन मिलल खुशी होके जा अरे हमने तो कहा ना काम के सीटर और अनुज कोई नहीं कोई तो नहीं होगी हाँ झूठ बोला था वो बहुत Welcome to my channel, guys. उबले अंडे एक साथ खाने के इंतजार में बैठे हुए माई सेल्फ वेंकटेश्वर नाथ चौबे सन ऑफ लेट श्री इंद्रदेव चौबे विलेज सैंथू थाना राजपुर जिला बक्सर जी। दिनचर्या जो हमारे यहाँ खेती गृहस्थी है हमारी जी। छावनी पर जाना आना और खेती गृहस्थी में लगे रहना जी। बच्चों को निर्देश देना कि इसे करो ऐसे करो जी। और यही दिनचर्या है जी। सुबह से किताब पढ़ना पेपर पढ़ना ये हमारी हॉबी है जी। किताबों से मैं मेरा जुड़ाव बहुत पहले से रहा है जी। मैं पढ़ते रहता हूँ और थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अनुशासन में ही लोग रहें जी बिल्कुल तो अच्छा रहेगा जी। अनुशासन जहाँ नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं अनुशासन के कुछ नहीं है। अनुशासन ही देश और परिवार को महान बनाता है जी। हम लोगों का गांव पुराने इतिहास के अनुसार चौसा परगना में पड़ता है जी। और चौसा परगना जो है जी रनिल के मैप के अनुसार मिर्जापुर जिला में पड़ता है जी। उन दिनों जी मतलब उन दिनों एक तरह से यूपी हुआ वो हाँ जी। तो उन दिनों मिर्जापुर जिला में ये परगना चौसा जो है जी पड़ता था। 1812 के 11-12 के रनिल के मैप के अनुसार जी। और वहीं से हमारी छावनी नीलाम ली गई मिर्जापुर अच्छा। कलेक्टरिएट से अच्छा जंगल था पहले अच्छा नीलामी में ली गई मतलब 1812 में 11-12 हाँ अच्छा जी जी। और जंगल था उस जंगल को काट करके खेती गृहस्थी करने लायक बनाया गया और यहाँ तक गांव की बात है सैंथू गांव सौधस्थू सैंथू हाँ सैंथू उसी शब्द से बना है सौधस्थू यहाँ पर सैव का जी शिव मंदिर 4-5 थे जी। जो किंवदंती के अनुसार जैसे हमारे ग्रैंडफादर बताते थे जी कि वो आलम आलम का मतलब शाह आलम द्वितीय जी
जो बक्सर की लड़ाई में 1764 ईस्वी में शामिल था, हो सकता है कि उसकी फौज इस रूट से गुजरी हो और उन मंदिरों को उसने एबोलिश कर दिया। अच्छा, शाह आलम द्वितीय। जी। और यहाँ कुषाण पीरियड के कारूबीर बाबा का स्थान एक है जी। वहाँ पर कुषाण पीरियड के क्वाइंस मिलते हैं। अच्छा। सिक्के तांबे के जी। तो इसका मतलब है कि हमारा गांव बहुत पुराना है जी, काफी पुराना। हाँ, जो कि मध्य युग में मुगल पीरियड के समय में जी इस गांव को एबोलिश कर दिया गया जी। और ये पहले चेरो खरवारों के राज में था। चेरो खरवार जो आदिवासी थे उनका राज था जी। उनके बाद दूसरे माने मुगल आ गए, उसके बाद माने अभी सब अपनी गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद अंग्रेज फिर अपनी गवर्नमेंट। हाँ जी। कोठीला रे छोड़िया न फुट हो बदाना, काल के आई बहनी तोहरे अगाना। बहनी ने बता बिहवा में पठोलू हो, दुवरिया कैसे आई हबीरना। Hey, Babu, hello. कहाँ जीबू? बोलो। Hello guys, hello. इसको ऐसे करके ऐसे जो राजो छानी के आदि से अच्छा चीनी के आई बनी के अपना छानी पा हमने कछ हरियर हरियर कचरी का बार के खा तनी जा वो मीठ लागत है हमने के देवर जी गए कौन छोटे बाबू समोसा ले आवे कोल्ड ड्रिंक्स ले आवे माजा ले आवे आ के हमने के खूब पियब जा खूब मजा कर हमने के कचरी भी खाएंगे तो हम लोग ऐसे ही खूब बनावा चला जा ये हम है ये हमारी फैमिली है और मस्ती है। एक मिनट और गुपचुप खा के गुपचुप गाने पे डांस भी करना है। कोई सेंस है इस बात की? अब बोलिए, अब जो बोलना है। ए, तुम लोग बैठो। घूमने आए हैं कि विश्व सुंदरी बेटी है। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। सारी परिया बैठी है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। डायनो चुड़ैलों से इतने डायने चुड़ैले मिली हैं सब सेतु से आए हैं। अच्छा भाई, बड़ी बदमाश है ये। हमारे लेने मचावा, मैं शराब पी रही हैं। खाली बोतल कैसे पी रही हैं? बाल लेकिन गिर लगा कम नहीं। बिहार में बड़ू जाना। अरे सही हम मंत्री जी के दिया कोको कोला पिया पिया ए बुआ आते हैं कोको कोला पिया तुम जा। अरे ये सही ब्लेंड मंत्री जी के दिया जो कहत मारत किया विक्रम विक्रम बेटा विक्रम विक्रम बेटा खाइए खाइए खाइए।
ये सबसे बड़ी दीदी है और ये उसके बाद वाली है, ये सबसे छोटी है, ये तीसरे नंबर की है, मैं चौथी नंबर की। खाला खाला ये मैं तो चश्मा लगा लू। हेलो गाइस, लो ये अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। अट्टे गए निकालो के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा रुको 5 मिनट भंवरवा के तोहरा संग जाई अरे के तोहरा संग जाई भंवरा के तोहरा संग जाई के तोहरा संग हो गया। बक्सर के रामरेखा घाट पर वो अपन चश्मा छोड़ के जाता है। फिर बढ़ा है क्या कुछ समय में आए थे तो 50 लगा। बनाई खाई वसी कर रहा है क्या है उत्तम अरे अभी से मेरी जिंदगी है तेरी जान बादल किया मेरा चश्मा मोदी जी कौन है? मेरा मजा नहीं आया। लवड़े ने भोजन पोज मारो एने ना एने एने पोज मार लगला टेक्निकल दिखावे तू क्या जाने
पाग के खींचे गो फोटो खींचा पाग के को बोला टिके परेला तो अपनी टिप्पा केला वैसे सूद घी अपना घर का फाड़ल घी नहीं फाड़ल बनारस के लिए बनारस का घी बताइए यही तो घी महक रहा है लोलू राम को और बता दीजिए बताना क्या है घुमाइए आपका तो सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग लग रहा है हम लोग यहाँ बैठे हैं गाइज क्योंकि एयरपोर्ट बंद है गाइज इधर एयरपोर्ट नहीं है इधर है एयरपोर्ट लिटरली बंद है शटर गिरा हुआ है शटर खुलेगा गाइज 5 बजे 6 बजे यहाँ बस कुछ लोग टहल रहे हैं जो सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने आए हैं हम भी यहाँ बस टहलते घूमते आ गए हैं क्योंकि बेंगलोर की फ्लाइट 7:45 है मतलब 7:55 और अभी हो रहा है 5 मतलब गवर्नमेंट बोलता है 3 घंटा 4 घंटा पहले आइए ये नहीं बोलता है कि एयरपोर्ट खुला रहेगा कि नहीं यहाँ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक तथा क्या बोलते हैं उसको अब नहीं जस्ट कमिंग एंड टेकिंग पिक्चर टूरिज्म बच्चों के साथ आके आप फोटो खिंचा सकते हैं यहाँ एयरपोर्ट पे विधायक जी भी आ गए हैं लेकिन विधायक जी के स्वागत में न मीडिया है न एयरपोर्ट खुला है एयरपोर्ट बंद है तो विधायक जी नाक साफ कर रहे हैं अपना गांड भी साफ करेंगे थोड़ा देर में गाइस अभी ग्राउंड स्टाफ अभी आ रहा है एयरपोर्ट खोलने के लिए टेंशन ना लें ये लोग एयरपोर्ट खोलेंगे उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और काफ़ी लोग जो इंतज़ार में हैं वो भी अंदर जाएंगे मियां खलीफा भी अंदर जाएगी बहुत लोग इंतज़ार में हैं अभी दरवाज़ा खुला नहीं है लेकिन लाइन लगाने की आदत नहीं जाएगी चीचा यहाँ पे अखबार पढ़ रहे हैं चीचा अखबार पढ़ते हुए
और चचा क्या है आज की ताजा खबर चचा? एयरपोर्ट खुल गया कि नहीं खुला? अच्छा खुल गया, लाइन लगा लेकिन खुल गया। जो लाइन में आज सेल्फी टाइम हो रहा है, यहाँ पे सेल्फी एंजॉय किया जा रहा है। अब देखो दोबारा आपके साथ यात्रा करने की कामना करते हैं। आप हमें किसी भी सहायता के वेलकम गाइस टू बेंगलुरु एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का आपका स्वागत है। फल 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 सी